हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट व्यूवर्स। आज मैं आपको अपने लव बर्ड्स की प्रोग्रेस दिखाऊंगा। लास्ट टाइम मैंने प्रोग्रेस आपको दिखाई थी तो जो है कुछ पेड़ अंडे देना शुरू हो रहे थे और कुछ पेड़ ने जो है एग दिए हुए थे। तो आप देखते हैं कि क्या इनकी प्रोग्रेस चल रही है और अभी जो है बच्चे वगैरह इनके निकले या नहीं निकले। वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पे चार पोर्शन वाला जो केज है डेढ़ बाय डेढ़, इसके अंदर मैंने चार फोस्टरिंग के लिए पेयर में परचेस करके लाया था और माशाल्लाह से चारों के चारों पेयर सेट हो गए बहुत अच्छी तरीके से और चारों ने जो है ब्रीड करी है। मैं आपको दिखाऊंगा वन बाय वन करके। बस ये एक पेयर के जो है थोड़ा सा मसला हो गया था, वो भी मैं आपको मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में या वीडियो के बीच में मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। ये देख सकते हैं ये लवबर्ड का पेयर है और इसके माशाल्लाह से ये चार बच्चे। मैं इसको फोस्टरिंग के लिए लेकर आया था लेकिन इन्होंने जो है माशाल्लाह से काफ़ी फास्ट जो है ब्रीड करी और इन्होंने जो है अपने बच्चे जो है निकाल दिए फटाफट। तो इसमें से एक बच्चा जो है सबसे छोटा वाला, ये ब्लैक मूफ का बच्चा है। बाकी तीन बच्चे जो है इसी के हैं। ब्लैक मूफ ने जो है दो ही अंडे दिए थे और इसके जो है मैंने ब्लैक मूफ के एक अंडे इधर रख दिए थे, एक अंडा लॉटिनो के नीचे रखा था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चार बच्चे ये पाल रहे और काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ है। आप देख सकते हैं इनका पोठा माशाल्लाह से एनी टाइम जो है भरा रहेगा इनका। काफ़ी ज़बरदस्त जो है ये पेयर फीड करवा रहा है और चारों बच्चे आपके सामने, चारों की ग्रोथ माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है और काफ़ी अच्छी तरीके से जो है अपने बच्चों को पाल रहा है। तो ये चार पेयर हैं, चार बच्चे हैं लव बर्ड के। और इसी के ऊपर आ जाएं तो ये लॉटिनो का पेयर है। गाइस ये लॉटिनो का मेल जो है बाहर है। जब भी आप बॉक्स वगैरह चेक कर रहे हो अंडे वगैरह तो आप जो है ऐसा कर लें ताकि जो है पेयर रेडी हो जाए बाहर निकलने के लिए। इसमें ये आप देख सकते हैं ये बैठा हुआ है, फीमेल बैठी हुई है। इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा अंडे आ चुके हैं, इसकी वजह मैं अभी आपको बताऊंगा। ये सबके सब फर्टाइल अंडे। इसके नीचे जो है अल्बिनो के अंडे भी रखे हुए जो आपको मैंने दिखाया है अल्बिनो। गाइस ये लॉटिनो का पेयर है, पेयर देख सकते हैं बाहर निकल चुका है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा जो है ये पेयर साबित हुआ है मेरे लिए। इसने जो है चार से पांच अंडे दिए थे, इसके कुछ अंडे जो हैं फर्टाइल नहीं थे, इसके एक आध अंडा फर्टाइल था। बाकी इसके नीचे मैंने ब्लैक मूव के, अल्बिनो के और लॉटिनो पसनाटा के जो है अंडे रखे हुए हैं, लव बर्ड्स के भी अंडे रखे हुए हैं। ये आपको जितने भी अंडे दिख रहे हैं आठ, तकरीबन आठ अंडे हैं ये, आठ नौ, तो ये सब के सब फर्टाइल अंडे हैं। और ये देखते हैं कि अभी बच्चे निकलना भी शुरू नहीं हुए, अंडे बिल्कुल रेडी हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इसके अंदर से बच्चे वगैरह निकल जाएंगे बाहर। ये देख सकते हैं आपको कलर से अंदाज़ा हो रहा होगा अंडे जो है फर्टाइल है। ये दूसरा जो है लॉटिनो का पेयर है। तो गाइस ये लवबर्ड, ग्रीन लवबर्ड का पेयर है, इसने जो है चार अंडे दिए थे, चारों के चारों माशाल्लाह से फर्टाइल एग थे। तो थोड़ी सी अभी जो बारिश हुई थी लास्ट टाइम तो उसमें जो है थोड़ी सी इसकी मटकी वगैरह गीली हो गई थी, तो मैंने इसके सारे अंडे उठा के जो है लॉटिनो के नीचे रखे। आपको जो भी दिखाया इसमें आठ नौ अंडे रखे हुए, तो इसके जो है इस पेयर के अंडे भी जो है मटकी में जो है बॉक्स में मौजूद हैं लॉटिनो के। तो अभी इसको जो है मैंने वापस मटकी दे दी है, मटकी में इसने आना जाना वापस शुरू कर दिया। अब जो है माशाल्लाह से ये वापस अंडों पर जो है फीमेल लोडेड हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा ये फीमेल है। तो ये तो तीन चार दिन में, पाँच दिन में जो है वापस से अंडे रख देगी। इसी के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर भी लवबर्ड का पेयर है और इसने भी जो है बच्चे निकाले हैं। इसकी ऐसी ज़बरदस्त नेस्टिंग है और दिख नहीं पाते और ये पेयर भी जो है बाहर नहीं निकलता। और ये देख सकते हैं बाहर से मटकी लगाने का एक फ़ायदा है, चेकिंग में आसानी हो जाती है। तो माशाल्लाह से आप ये देख सकते हैं इसमें जो है बच्चे निकले हुए, ये देख सकते हैं तीन चार तीन बच्चे तो दिख रहे हैं, एक अंडा दिख रहा है, पेयर भी जो है इसके अंदर ही है मौजूद, ये पेयर जो है बाहर नहीं निकलता। इसकी नेस्टिंग भी काफ़ी जो है ज़बरदस्त है और इसका मुझे एक बच्चा जो ये देख सकते हैं आप, ये मुझे रेड आइस लग रहा है, पता नहीं इसके अंडे तो मैंने किसी के नीचे ट्रांसफ़र नहीं करे इसके पेयर में, और नो आइडिया, भी बड़ा होगा तो पता चलेगा कि ये बच्चा जो है कौन सा है। बाकी आपके सामने तीन बच्चे एक अंडा, इसके मेरे खाते पाँच अंडे थे, शायद एक और बच्चा भी हो आगे, क्योंकि ये पेयर बाहर भी नहीं निकलता और इसकी नेस्टिंग ऐसी हो गई ऊपर से कि आपको ऊपर से भी जो है नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर जो है क्या चीज़ मौजूद है। तो ये कि माशाल्लाह से बच्चे इसने निकाले, आपको दिखाया। तो गाइस आपको ये चार पेयर मैंने दिखा दिए, अब आपको इस साइड पर आते हैं। तो इस साइड पर जो थोड़ा सा मामला चल रहा है वो थोड़ा सा गड़बड़ है और मैं आपको पेयर जो है वन बाय वन करके दिखाता रहूँगा। इसके अंदर जो ये ब्लैक मूव का पेयर देख रहे हैं लॉटिनो पसनाटा, इसके जो अंडे मैंने लॉटिनो के नीचे रखे हैं और लवबर्ड्स के नीचे जो हैं इसके अंडे ट्रांसफ़र मैंने कर दिए थे।
तो अब इसके जो है वापस से देखते हैं कि क्या हुआ, नेस्टिंग वगैरह इसने बनाई नहीं बनाई, क्योंकि इन्होंने जो है पेयर ने अंडे दो दो या तीन तीन अंडे दिए थे, तो मैंने सोचा टाइम ज़ाया करेंगे तो इनके अंडे जो है मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो अभी इसने मेरे ख्याल से नेस्टिंग वापस से मैंने इसको दी थी, नेस्टिंग वगैरह इसने वापस से बना लिए। अभी मेरे ख्याल से एग वगैरह जो है पेयर ने नहीं दिए, ये मेरे पुराने पेयर हैं लॉटिनो पसनाटा के और एलवी ब्लैक मूव के। यहाँ पर आ जाते हैं तो इसने भी मेरे ख्याल से अभी अंडे नहीं रखे होंगे, क्योंकि इसके भी जो है मैंने अंडे उठा के रख दिए। ये लव बर्ड्स मैंने इस वजह से ही लिए थे कि इनको जो है फोस्टिंग वगैरह मैं कर सकूँ। जो पेयर ब्रीड सही तरह नहीं कर पा रहा या तो अंडे कम दे रहे हैं, अंडे फर्टाइल हैं, तो मैं जो है उस पेयर को जो है उन पेयर के अंडे जो है लव बर्ड के नीचे रख दूँ। तो मैंने ऐसा ही करा, जब बच्चे बड़े होंगे जब जो है सही तरीके से पता चलेगा कि जो है क्या हुआ है। ये लॉटिनो पसनाटा रेड आइस का पेयर, इसने भी जो है सुरंग बनाई अंदर जाके, और पता नहीं कि इसने ब्रीड वगैरह करी या नहीं करी। ये आप देख सकते हैं इसकी नेस्टिंग, और भी बिल्कुल पीछे जाके जो है छुप चुके हैं। अब इसमें ये बड़ी मसला हो जाता है कि पेयर का पता नहीं चलता है कि पेयर जो है कहाँ पे बैठे हुए हैं। वो देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का सा येलो कलर का, ये लॉटिनो पसनाटा रेड आइस का पेयर है। पता नहीं इसने अंडे दिए हैं या नहीं दिए, जगह तो ऐसी बनाई हुई शायद इसने अंडे वगैरह रख दिए हों। अभी इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा क्योंकि इसकी जो मेरे सेटअप पे पहली ब्रीड है, शायद इसने जो अंडे रख दिए हों। ये मेरे घर पे पट्ठे निकले थे ब्लैक मूव की फ़ीमेल और फिशर का जो है मेल है। ये खुद ही इन्होंने पेयर बनाया था, खुद ही सेटिंग हुई थी, तो अभी इसने मेरे ख्याल से अंडे नहीं दिए। ये फीमेल तो बिल्कुल लोडेड है, इंशाल्लाह एक कुछ चंद दिनों में जो है ये ब्रीड कर देगी। अब बस ये देखने के इसके जो बच्चे होंगे वो किस कलर के निकलेंगे, देखेंगे कि क्या बच्चे ये निकालता है पेयर। इसने जो क्रॉसिंग वगैरह कर लिए फीमेल, इंशाल्लाह तीन चार दिन के अंदर जो है अंडे रख देगी, या तो शायद अंडे वगैरह से दे भी दिए हों। तो चलें इसको भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो जो फर्स्ट ब्रीड का पेयर होता है उसको जो है डिस्टर्ब नहीं करें, अगर इसको डिस्टर्ब करेंगे तो वो जो है ब्रीड सही तरह नहीं कर पाता। तो जो भी फर्स्ट ब्रीड के पेयर हैं उनको मैं छेड़ता कम हूँ। एक और ब्रीडर पेयर है सेवल, और इसने जो है तीन अंडे जो है माशाल्लाह से रख दिए, ये आप देख रहे होंगे। इसने लास्ट टाइम भी मेरे पास काफ़ी अच्छी ब्रीड करी थी इस पेयर ने, और अभी तीन अंडे हैं। अभी मैंने चेक नहीं करा इन अंडों को क्या फर्टाइल हैं या नहीं, इंशाल्लाह ये कि लव बर्ड के जो है अंडे आप चेक करने ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी मौसम ऐसा है नमी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो इस वजह से जो है अंडे डेड इन शेल हो रहे हैं, अंडे फर्टाइल नहीं हो रहे। अंडे फर्टाइल हो रहे हैं तो फिर डेड इन शेल हो रहे हैं, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी। तो अंडे चेक भी कर लें ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपका जो है टाइम बचे। तो ये फिशर का मेरे पास ब्रीडर पेयर मौजूद है, और इसने जो है चार अंडे रख दिए माशाल्लाह से, सबसे एंड में जो है इस पेयर ने अंडे दिए। और भी पेयर हैं जिन्होंने अभी तक अंडे नहीं दिए, लेकिन इसने जो है सबसे मतलब अभी जो है सबसे लास्ट में जो जिन्होंने ब्रीड करी उसमें जो है अंडे दिए, चार अंडे इसके आए हुए हैं। इसके बीच मैं चेक कर लूँगा कि फर्टाइल हैं या नहीं, क्योंकि अभी मैंने इनके चेक नहीं करे अंडे। ये पिस्टन ब्लू का पेयर है, और माशाल्लाह माशाल्लाह से इसने भी जो है बच्चा एक निकाल दिया, और दो अंडे जो हैं इसके मौजूद हैं। ये कि इसके तीनों अंडे जो हैं फर्टाइल थे, इसीलिए इसके मैंने अंडे जो हैं चेक करे थे, इसके तीन अंडे दिए थे, तीनों फर्टाइल थे, एक बच्चा निकल चुका है। इंशाल्लाह दो जो अंडे रखे हुए उसके अंदर से बहुत जल्द बच्चे निकल जाएंगे। ये पिस्टन ब्लू का पेयर है, और इसी के बराबर में आ जाएँ तो ये भी ब्लू का ही पेयर है, लेकिन इसने अभी अंडे दिए थे लास्ट टाइम मैंने आपको शायद दिखाया, तो इसने जो है इसके जो अंडे थे वो सारे ख़राब थे, तो मैंने इसके अंडे हटा दिए, इसको वापस से मैंने घास वगैरह दी, इसने नेस्टिंग अब वापस से बना लिए। अब इंशाल्लाह जो है ये ब्रीड करेगा तो इंशाल्लाह अंडे फर्टाइल ज़रूर करेगा। तो ये थी मेरे लव बर्ड्स की प्रोग्रेस, मैंने आपको सब प्रोग्रेस वगैरह दिखाई। आप लोगों को पता है बच्चे वगैरह माशाल्लाह से निकलना शुरू हो गए, तो इनका जो सॉफ्ट फूड काफ़ी लोग पूछते हैं जब बच्चे निकले तो क्या क्या चीज़ें यूज़ करवाएं। देखिए मैं इनको रोज़ जो है जिन जिन पेयर के बच्चे निकले उनको रोज़ जो है दाना आपको भर के देना है, ज़्यादा दाना देना है, ताकि अपने बच्चों को खिला सकें। मिक दाना है जो भी नॉर्मल आप चीज़ें दे सकते हैं वो दें, बाकी चने गंदम मैं देख सकते हैं इनको देता हूँ रोज़। ये पेयर इतना शौक से नहीं खाता, लेकिन जब इनके बच्चे निकले हुए होते हैं तो पेयर जो है चने गंदम बहुत शौक से खाते हैं। बाकी इनको भुट्टा ये देख सकते हैं, सुबह ही मैंने इनको दिया था, ये खा चुके हैं। ये कि अब ला के रख लें भुट्टा, जब बच्चे वगैरह निकले हुए हों तो काफ़ी जो है फ़ायदा है इसके, बच्चों को ये फीड करवाएगा भुट्टा तो काफ़ी बच्चे जो है ग्रोथ अच्छी करेंगे, और बच्चों को साइज़ वगैरह जो है अच्छा होगा। मिक्स दाना है, सब सॉफ्ट फूड वगैरह यूज़ करवाएं जब बच्चे वगैरह निकले हों, तो इंशाल्लाह बच्चों के साइज़ वगैरह जो है अच्छा होगा। तो गाइस उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।